हेलो नमस्ते, मेरा नाम है क्षितिज और आज जिस जगह मैं अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ उसका नाम है शिशुपाल पर्वत। मेरे ख्याल से आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि शिशुपाल पर्वत छत्तीसगढ़ और उड़ीसा सीमा के बीच में है। शिशुपाल पर्वत को वैसे तो कहा जाता है कि ये महासमुंद में, लेकिन रियलिटी ये है कि महासमुंद से 100-130 किलोमीटर के बाद शिशुपाल पर्वत आता है। तो जो भी नेचर लवर्स हैं या फिर ट्रैकर्स हैं उनके लिए ये पॉइंट काफ़ी खूबसूरत होने वाला है। हर साल यहाँ पे हजारों लोग इस पहाड़ पे नज़ारों का मज़ा लेने के लिए आते हैं। शिशुपाल पर्वत के सबसे पास का गांव है सरायपाली, जो कि यहाँ से 25-30 किलोमीटर दूर है। और जिस खूबसूरत पहाड़ी श्रृंखला पे शिशुपाल पर्वत है उसे कहते हैं बूढ़ा डोंगर। डोंगर का मतलब बेसिकली पहाड़ होता है। और शिशुपाल पहाड़ लगभग 10 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो इस पहाड़ के ईस्टर्न साइड पे, मतलब पूर्वी भाग में, एक वाटरफॉल है जिसको घोड़ाधार कहते हैं। ये वाटरफॉल वैसे तो सिर्फ मानसून के सीज़न में आपको देखने को मिलेगा, बाकी सीज़न में ये सूखा रहता है। इस घोड़ाधार वाटरफॉल की हाइट लगभग 300 मीटर है। शिशुपाल पर्वत धार्मिक रूप से भी काफ़ी महत्व रखता है। तो दोस्तों, जैसे ही आप पर्वत के आधे दूरी पर पहुंचेंगे, आपको एक छोटा सा सफ़ेद रंग का मंदिर दिखेगा जो कि है पंचमुखी हनुमान मंदिर। अगर आप इस मंदिर तक पहुंच गए तो आप मानिए कि आपने आधी दूरी तय कर ली है। फिर पर्वत की चढ़ाई के बाद भी एक महादेव जी का मंदिर है जो कि यहाँ के आसपास के लोगों के बीच में आस्था का केंद्र है। यहाँ पे मकर संक्रांति और महाशिवरात्रि में मेला भी लगता है। इसे देखने के लिए उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के काफ़ी सारे लोग एकजुट होते हैं। ये जो मेला लगता है उस जगह का नाम है घोराघाट। तो वैसे शिशुपाल में शनिवार रविवार को काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। रायपुर से अगर इसकी दूरी देखें तो ये लगभग 160-170 किलोमीटर पड़ता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपका भी मन यहाँ पे आने का हो रहा है तो कुछ टिप्स ये हैं कि जब भी आप इस पहाड़ पे चढ़ने के लिए आए तो अपने साथ अच्छे ग्रिप वाले जूते रखें, अपने एक बैग रखें जिसमें 2-3 बोतल पानी हो कम से कम, ऊपर में खाने की कोई व्यवस्था नहीं है तो खाने का सामान या जो भी खाना है वो आप अपने साथ लेकर चढ़ें, कंफर्टेबल कपड़े पहने जिसे ट्रैकिंग में आसानी हो। और अगर यहाँ के सबसे अच्छे नज़ारे आपको लेने हैं तो आप 8 बजे के आसपास या उससे भी पहले इस पहाड़ को चढ़ने की कोशिश करें। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि शिशुपाल माउंटेन की जो चढ़ाई है वो ऑलरेडी इतनी ख़तरनाक और स्टिफ है, तो अगर किसी तेज़ बारिश के दिन में अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ पे आना आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए मानसून में। मतलब मानसून के किसी बारिश वाले दिन यहाँ पे मत आइए, क्योंकि पहाड़ के चट्टानों पे फिसलन ऑलरेडी बहुत है। और बीच बीच में कुछ ऐसे रास्ते भी दिखेंगे जहाँ पे रास्तों के बीच चट्टानों पे आपको पानी बहता हुआ दिखेगा जिसको आपको क्रॉस करते हुए जाना है। और भारी बारिश वाले दिन अगर इसमें ज़्यादा पानी रहा तो आप पहाड़ पे नहीं चढ़ पाएंगे, आधी दूरी चढ़ के आपको वापस लौटना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये नज़ारा पाने के लिए आपको लगभग 1100 फीट की ऊँची चढ़ाई करनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं कि आप चढ़ नहीं पाएंगे, चढ़ाई थोड़ी ऊँची और स्टिफ है, लेकिन थोड़ी मुश्किल के बाद आप भी इस नज़ारे का मज़ा अपनी आंखों से ले सकते हैं। जब आप शिशुपाल पर्वत की चढ़ाई को पूरा कर लेंगे तो आपको काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ एक मैदान दिखेगा। यहीं पर के सबसे ऊंची चोटी का नाम है शेमा कुटी। यहाँ के एक वाटरफॉल का नाम घोड़ाधार है। तो घोड़ाधार इस वाटरफॉल का नाम कैसे पड़ा, तो घोड़ाधार की एक कहानी है। कहानी ऐसे कि यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं आप उनसे भी पूछ सकते, और उन्होंने मुझको भी बताया कि इस पहाड़ के ऊपर किसी समय में राजा शिशुपाल का महल हुआ करता था।
राजा शिशुपाल के नाम पे इस पर्वत का नाम भी शिशुपाल रखा गया है। लोग कहते हैं कि राजा ने अपने घोड़े के आंखों पे पट्टी बांधकर राजा खुद बैठकर उस वाटरफॉल से कूदा और अपनी जान दी। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जब अंग्रेजों ने राजा को घेरा या फिर मारा तो रानियां अपने सम्मान की रक्षा के लिए घोड़े की आंख पे पट्टी बांधकर पहाड़ की चोटी से रानियों ने घोड़े के साथ छलांग लगाई। अब पता नहीं कौन सी कहानी में कितनी सच्चाई है, पर यहाँ पे दो कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। कहानियों की बात हो ही रही है तो एक इंटरेस्टिंग बात ये भी सुनने को मिला कि एक प्यासा हाथी पानी की तलाश में शिशुपाल पर्वत पे चढ़ गया और फिर पता नहीं वो कैसे उतरा, कहाँ से उतरा, अचानक वो दिखा और फिर दिखना बंद हो गया। यहाँ के लोग ऐसे ही कोई स्टोरी बताते हैं। यहाँ के एक लोकल निवासी ने यह भी बताया कि जब कभी पहाड़ पे कुछ लोग चढ़ते हैं मानसून के टाइम में और चढ़ने के बाद अगर बारिश हो जाती है तो अचानक जो रास्ते हैं वहाँ पर पानी का बहाव इतना तेज़ हो जाता है कि उनको 3-4 घंटे वहाँ पे पानी के बहाव को कम होने तक का इंतज़ार करना पड़ता है और वो लोग ऊपर फंस भी सकते हैं। तो अब मानसून में अगर आ रहे हैं तो किसी ऐसे दिन ना आए जिस दिन बारिश होने की संभावना है, वरना आप भी या तो आधे दूरी से वापस आएंगे या तो अगर आप चढ़ चुके हैं तो हो सकता है कि बहुत लंबे समय तक आप फंस भी जाएं और ये काफ़ी रिस्की भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेरी तरह घूमने फिरने के शौकीन हैं और नए नए प्लेसेस एक्सप्लोर करने की चाहत रखते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। इस चैनल में बेसिकली आपको वन डे ट्रिप वाले स्पॉट्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप सुबह से निकल कर घूम फिर कर शाम तक अपने घर लौट सकते हैं। तो उन जगहों की जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़े रह सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।